बारिश का मौसम हो और पकौड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, आज घर के चूल्हे पे मैं आरती आपके लिए लेके आई है चार तरह के प्याज के पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन का एक बैटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 100 से 150 ग्राम के करीब बेसन ले रही हूँ। आप बेसन अपने अंदाज से ले सकते हैं, आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आप कितने पकौड़े बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ 100 से 150 ग्राम के करीब बेसन ले रही हूँ। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक की डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, इससे पकौड़ों में कलर अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, नहीं तो पकौड़े काले हो जाएंगे। साथ ही इसमें मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को बेसन में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून इनो पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, पर इनो पाउडर डालने से क्या होता है, जो हमारे पकौड़े हैं उनका जो ऊपर बेसन की जो कोटिंग आती है वो बहुत हार्ड नहीं बनती है, सॉफ्ट बनती है। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नींबू का रस डाल रही हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका एक मीडियम थिकनेस का बैटर बना लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं बनाना है, यानी बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। और बेसन में पानी धीरे धीरे ही मिलाना है, नहीं तो बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। हमें बेसन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है ताकि वो एकदम फ्लफ़ी हो जाए। और फिर लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल की डालेंगे। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और अब इसे भी बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैटर रेडी है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन हमारा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारा बेसन रेडी हो रहा है तब तक हम हमारे पकौड़ों की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो नॉर्मली हम लोग स्लाइस अनियन के पकौड़े बनाते हैं वो बना रही हूँ। ये देखिए, ये इतने मोटे काटने हैं हमको। और अब इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पकौड़ा खाते हैं तो बेसन में तो मसाले होते हैं पर अंदर से जो प्याज होता है वो फीका रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्याज के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस लगाएंगे। और साथ में ये मेरे पास एक भुना मसाला है जिसमें साबुत धनिया, सौंफ, जीरा और साबुत लाल मिर्च को मैंने भून के पीस लिया है, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, गर्म मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी स्लाइस पे एक एक चुटकी इसको छिड़क देंगे। तो ये स्लाइस रेडी है हमारे पकौड़े बनाने के लिए। तो इसको एक साइड में रख देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पकौड़ा है, स्ट्रीट स्टाइल अनियन भजिया, तो चलिए इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे सबसे पहले। और फिर इसमें मैंने ये प्याज को लंबा लंबा पीसेस में कट कर लिया है। एक्चुअली पकौड़े बनाने के लिए जो स्लाइसेस कट किए हैं उनका जो भी वेस्टेज था उसी को मैंने लंबा लंबा पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं ये कुछ हरे धनिया की डंडियां डाल रही हूँ। मैंने हरा धनिया चॉप किया था बहुत सारा, तो उसकी जो ये डंडियां बच गई थी तो वो भी मैंने कट करके इसी में ऐड कर दी हैं। साथ ही इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। साथ ही इसमें 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके डालेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून ही मैंने हींग डाला है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। एक्चुअली जो प्याज के जो भजिया होते हैं वो बहुत ही स्पाइसी होते हैं और हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो स्ट्रीट स्टाइल तो वैसे ही स्पाइसी होते हैं, तो हमने इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ जीरा डाला है। अब लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने पूरे मिक्सचर की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ले। साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल की ऐड कर रही हूँ। अब सभी मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ दें। और उसी पानी में हम बेसन को मिक्स करेंगे, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब प्याज में मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें धीरे धीरे बेसन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ स्टार्टिंग में 3 टेबलस्पून बेसन डाला है। हमें उतना ही बेसन डालना है जिसमें हमारा प्याज अच्छे से कोट हो जाए बस। तो
तो मैं इसमें फिर से 2 टेबलस्पून के करीब बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को हमें अच्छे से प्रेस करते हुए प्याज में मिक्स करना है, ताकि जो प्याज का पानी है उसके अंदर ही बेसन जाके अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा जो प्याज के भजिए का जो बैटर है वो रेडी हो जाए। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बहुत ज्यादा बेसन का भी यूज नहीं करना है। मैंने अभी तक 5 टेबलस्पून के करीब बेसन यूज किया है। अब लास्ट में इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब बारीक रवा ऐड करेंगे। अब इसको भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमें एक थिक बैटर रेडी करना है प्याज के भजिए के लिए। आप देख रहे होंगे बैटर की कंसिस्टेंसी, जैसे हम कोफ्ते बनाने के लिए बैटर रेडी करते हैं ना, मिक्सचर रेडी करते हैं, वैसा ही मिक्सचर हमें प्याज के भजिए के लिए बनाना है। तो हमारा मिक्सचर रेडी है, तो इसको हम सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। और अब हम हमारे थर्ड पकौड़ा रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा जो थर्ड पकौड़ा है वो है पोटैटो स्टफ अनियन पकौड़ा, या हम कह सकते हैं कि आलू से भरा हुआ प्याज का पकौड़ा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलुओं को मैश करके रख लिया है। साथ ही मैंने ये प्याज की स्लाइसिस को ऐसे कट करके निकाल लिया है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हमने आलू को जो मैश करके रखा है इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, साथ ही इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। साथ ही इसमें मैं फिर से भुना मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो ये थोड़ा मोटा पिसा हुआ भुना मसाला है। इसमें वही जीरा, सौंफ, धनिया और साबुत लाल मिर्च को मैंने भून के पीस लिया है दरदरा, वो इसमें डाल देंगे। अब आलू को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब प्याज के जो हमने स्लाइस कट करके रखे हैं, अब हम इनको एक जैसे 2 स्लाइस ले लेंगे। अब इसके बीचों बीच एक स्लाइस पे हम आलू की मसाले की बॉल बना के रखेंगे और उसके ऊपर हम दूसरी स्लाइस को ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही सभी प्याज के स्लाइस में हमको आलू का मसाला भर लेना है। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे ही हमको सारे प्याज के बॉल्स को रेडी कर लेना है। तो हमारे ये तीसरे पकौड़े की तैयारी भी हो गई है। तो चलिए अब हम फोर्थ पकौड़ा जो बना रहे हैं, हम अनियन रिंग्स बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं। अनियन रिंग्स बनाने के लिए मैंने ये प्याज के गोल गोल रिंग्स काट लिए हैं। ये 1/2 इंच के चौड़ाई के हैं, बहुत ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने हैं। अब इसके लिए हम एक बैटर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, साथ ही इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून हम ऑरेगानो डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स की डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कर लेंगे। यानी कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो प्याज को अच्छे से कोट कर ले। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर अनियन स्लाइस को डिप करके कोट कर लेंगे और फिर ऊपर से ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। तो यहाँ पे प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये नॉर्मली बारीक वाले ब्रेड क्रम्स नहीं हैं, ये थोड़े मोटे अनइवन से ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं। ये मैंने घर में ही बनाए हैं ब्राउन ब्रेड से। आप चाहें तो इसकी जगह मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप जो ब्रेड क्रम्स यूज़ करें वो थोड़े मोटे हों। उससे क्या होगा, जो अनियन रिंग्स का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। इस तरह के ब्रेड क्रम्स का ही यूज़ करें। अब हम क्या करेंगे, अनियन रिंग्स को इस स्लरी में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा बैटर को ऐसे टैप करके निकाल देंगे और फिर उसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से रिंग को हमें ब्रेड क्रम्स से ढक देना है, जितने भी ब्रेड क्रम्स हैं वो रिंग के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएं। अच्छे से हमें रिंग को कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स से और फिर उसको हमें हाथ की सहायता से या फोक की सहायता से इजीली उसमें से धीरे से निकाल के एक प्लेट में अलग से रख देना है। इसी तरह हमें सभी रिंग्स को पहले स्लरी में कोट करना है, एक्स्ट्रा बैटर को टैप करके हमें निकाल देना है और फिर उसको हमें ब्रेड क्रम्स में कोट करके हल्के हाथ से साइड में निकाल के प्लेट में रख देना है। तो देखिए ऐसे ही सारे रिंग्स को हम रेडी कर लेंगे। तो हमारे चारों तरह के प्याज के पकौड़ों की प्रिपरेशन पूरी हो गई है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है फर्स्ट जो हमने अनियन स्लाइस रेडी किए थे, सेकंड है ये हमारा प्याज का भजिए का बैटर, थर्ड है ये हमारे
प्याज के आलू स्टफ़ किए हुए बॉल्स, फोर्थ हैं हमारे अनियन रिंग्स। तो हमारे चारों तरह के प्याज के पकौड़ों की तैयारी हो गई है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया है, तो तेल को हमें मीडियम हॉट रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि हम जैसे ही पकौड़ा डालें 5 से 10 सेकेंड के अंदर वो ऊपर आ जाए। तो देखिए बैटर भी मेरा अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो अनियन स्लाइस रेडी किए हैं इनको इस बैटर में कोट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल में थोड़ा सा बेसन डाल के देख लेते हैं। देखिए 5 सेकंड के अंदर ही बेसन फूल के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब हमारा ऑयल करेक्ट गर्म है। अब हम इसके अंदर हमने ये जो अनियन स्लाइस रेडी किए थे इनको बेसन में अच्छे से कोट करेंगे। हमने नींबू का रस डाला था तो उससे क्या हुआ है, जो हमने मसाला डाला इसके ऊपर वो अच्छे से स्टिक हो गया है। तो हम अब इस स्लाइस को बेसन में कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो बैटर है उसको झरने देंगे और उसके बाद उस स्लाइस को हम तेल में डाल देंगे। ऐसे ही सारी स्लाइस को हमें बेसन में कोट करके तेल में डालना है। पकौड़े डालते टाइम हमारी गैस जो है वो लो टू मीडियम रहनी चाहिए, ना ही स्लो होनी चाहिए ना ही हाई होनी चाहिए। तो देखिए 5 मिनट के अंदर हमारे पकौड़े एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। ये जो छोटी छोटी बूंदियाँ हैं इनको निकाल के साइड कर देंगे। बीच बीच में आप पकौड़ों को ऐसे हिलाते रहें ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और जो उनका कलर है वो एक जैसा आए। तो देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा इनमें कलर आ गया है। अब हम इनको तेल में से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम अपने ये जो आलू के हमने अनियन बॉल्स रेडी किए थे इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको भी हमें बेसन के बैटर में अच्छे से कोट करना है और बेसन के बैटर में कोट करने के बाद आप इसको ना तो हाथ से डालें ना ही चम्मच से, फोक से डालें, ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो फोक में से निकल जाएगा। जितना उसको ज़रूरत है उतना ही बेसन कोट होगा। आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, सेम वैसे ही डालना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद में एक साइड से ये अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। पकौड़ों को जहाँ तक हो एक साइड से सिकने देना चाहिए, उसके बाद ही उनको पलटना चाहिए और ये जो भी साइड में एक्स्ट्रा बूंदी होती है उनको निकाल देना चाहिए। तो देखिए 5 मिनट के अंदर हमारे ये आलू स्टफ्ड अनियन बॉल्स भी रेडी हैं, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही सुंदर कलर आया है इनका। अब हम इनको भी तेल में से निकाल लेते हैं। अब हम थर्ड रेसिपी को फ्राई कर लेते हैं, वो है अनियन भजिया। तो इसके लिए मैंने ये बैटर ले लिया है और अब हम इसको अनइवनली कैसे भी हमें इसको कढ़ाई में डालना है। आपने देखा होगा जो स्ट्रीट स्टाइल भजिया मिलते हैं वो अनइवन ही होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती है। तो आपको जैसे भी आता है आप हाथ में लेके उसको तेल में डाल दीजिए। अनइवन तरीके से ही हमें इसको डालना है, कोई शेप नहीं देनी है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इनको पलट लेंगे। पकौड़े तलने के सारे प्रोसेस में हमें गैस को लो टू मीडियम साइड ही रखना है, हाई साइड नहीं करना है, नहीं तो पकौड़े ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से बेसन हमारा कच्चा रह जाएगा। तो हमें हमेशा पकौड़े डालते टाइम हमें जो गैस है वो मीडियम टू हाई रखनी है और पकौड़े डालने के बाद हमें गैस को लो टू मीडियम कर देना है। अनियन भजिया भी हमारा तल के रेडी हो गया है, इसको भी तेल में से निकाल लेते हैं और अब हम अपनी जो प्याज की फोर्थ रेसिपी है अनियन रिंग्स, उनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अनियन रिंग्स ले लिए हैं। अब हम इनको धीरे धीरे तेल में डालेंगे, एकदम से स्पीड से नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स कोट किए हुए हैं। तो हमें हल्के हाथ से इनको धीरे धीरे तेल में डालना है और ये 2 से 3 मिनट में ही फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने में। तो देखिए ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको पलट लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद देखेंगे ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये खाने में। तो रेडी है हमारे चारों तरह के प्याज के पकौड़े, तो चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 तरह के प्याज के पकौड़ों को हरे धनिया की चटनी और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये रेडी है हमारा अनियन पकौड़ा प्लेटर। तो इन चारों प्याज के पकौड़ों की रेसिपीज़ को आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।